हेलो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पानिक। आई एम प्रदोष मिश्र एंड आज आम डिस्कसन करवा एस क्वेश्चन सेट थ्री रोठ स्टार्ट करी। फर्स्ट थिंग यू मस्ट रिमेम्बर द फियर ऑफ इंग्लिश इज बेटर देन द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। आज क्वेश्चन सेट देखी तुम जापार क्वेश्चन गुड़ाक इजी थी यस और नो। ऑल ऑफ अस हैव हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ऑल ऑफ यू, निहाती बहुत भल कर एंड तुम बेस्ट दे थी। एनीवे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस फोकस ऑन द सॉल्विंग पार्ट। ओके प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड हियर, गिव मी अ सेकेंड। प्रथम क्वेश्चन देखिदि ये लिखाई कौन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फोर वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ व्हिच टू वर्ड्स आर मोस्ट सिमिलर और अपोजिट इन मीनिंग। फाइंड द टू वर्ड्स व्हिच आर मोस्ट नियरली द सेम और अपोजिट इन मीनिंग। चार्टा वर्ड भितर कौन होता है आइदर सिनोनिम अथवा एंटोनिम थी सो से दुटा भितर चूज करवा वर्ड एंड आम जानू जियोपार्डाइज मीनिंग है टू पुट समथिंग एट रिस्क। गिव मी वन सेकेंड टिके जीवा पछ को बैक जीवा। ओके गिव मी अ सेकेंड प्लीज हियर वी आर डन। सो ये देखिपर तुम्हें आम जानपे जेपोडाइज मीनिंग है टू पुट समथिंग एट रिस्क। रिपुडिएटर मीनिंग हूँ रिजेक्ट करवा। कन्फ्यूज मीनिंग तुम जानते डिसओन डिस्र मीनिंग हूँ कौन नॉट एक्सेप्ट। तो आम क्लीयर हो ऑप्शन टू एंड ऑप्शन फोर आर सिनोनिम्स यस और नो। तेणु वी विल चूज ऑप्शन सी एज द आंसर। आई होप यू आर गेटिंग इट। So now let's go to option 2 here. Question number 2, yes, Nafisa is afraid. Afraid ba kebe ko preposition use karu of. Is it question option D hobo? Okay jiba next ko I am worried. Worried ba kare kon hue preposition lage generally about lage yes or no. So eti option ame B ko choose kariba. Okay so question 3 option will be B. I hope you are getting all of it right. निहाते ठीक कर जीवा क्वेश्चन फोर को। ओके व्हाट्स रिटन हियर अच्छा ही लुक्स अपसेट आई थिंक ही टुक द क्रिटिसिज्म हार्ट। तो ये मन रखे तो यहाँ गोटे इडियोमेटिक यूजेस अनुसार आसो डोंट टेक इट टू हार्ट आम कौ ना दिल पे मत लेना। तो सेमती ये कौन हम ही टुक द क्रिटिसिज्म टू हार्ट हम। सो क्वेश्चन नंबर 4 वी विल चूज ऑप्शन ए हियर। ओके जीवा फिफ्थ को गिव मी अ सेकंड हियर नंबर 5 देयर इट इज। कौन लिखाई नंबर आई एम एनवीएस। एनवीएस एंड जेलस पाखे जनरली प्रिपरेशन कौन लगे ऑफ लगे ना नहीं आई एम एनवीएस ऑफ देम। 5 नंबर ऑप्शन आमर आम चूज करवा ऑप्शन ए को क्लियर। नेक्स्ट को जीवा क्वेश्चन इजी थी ये सर नो। 6 को जीवा कन्फाइड अच्छा कन्फाइड मीनिंग कौन जनक ट्रस्ट करें गोटे जिनसटे कह कन्फाइड पाखे प्रिपोजिशन कौन लगे ऑलवेज रिमेम्बर कन्फाइड पाखे आइदर टू लगे कन्फाइड पाखे आइदर इन लगे। आम क्लास में गुड़ा बहुत थोड़ा डिस्कसन कर मोर देन वन प्रिपोजिशन यूज जदि पढ़ी थी यू माइट हाव रियलाइज तुम जापार क्वेश्चन को देन कन्फाइडेड इन मी हम ऑप्शन बी यस और नो। इजी क्वेश्चन 6 नंबर आंसर आम कौन चूज करवा बी को एवं जी नेक्स्ट को। ओके क्वेश्चन 7 हियर दे डिसाइड डिसाइड पाखे प्रिपोजिशन कौन हम ना जनरली आम गोटे कनसेप्ट बुझा पड़े आम डिसाइड पाखे कौन यूज करू टू प्लस भि वन यूज करू ये सर ना आई हाव डिसाइडेड टू फाइल ए केस ये सर नो। बट समटाइम्स प्रिपोजिशन अब द जज विल डिसाइड ऑन दिस इश्यू एमती सेन्स आसपार ना ना। तो ए सेन्स देखा डिसाइड पाखे अन् लगे डिसाइड अन्र मीनिंग आम बुझा जे ये जिनस को आम फाइनालाइज कलु यहाँ हूँ आम सिलेक्शन आम या नवा ये सेन्स डिसाइड अन् करवा ठीक अच्छे। तो 7 नंबर आंसर हमें एटे ऑप्शन बी को चूज करवा क्लियर। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन नंबर 8 सफर आम जानते समस्ते कहवा दरकार ना सफर पाखे कौन हम फ्रम हम सी सफर्स फ्रम ए हार्ट डिजीज। तुम ऑप्शन एलिमिनेट कर अबाउट इन ऑन कौन लगे कि फ्रम हम तो ऑप्शन 8 पाखे कौन हम सी हम क्लियर। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गिव मी अ सेकेंड नंबर 9 द टीचर सेट सम होमवर्क डैश द लेसन लेसन एंड रे एट द एंड आम कहूना ना तेणु ये आंसर कौन हम ऑप्शन डी एट द एंड ऑफ द लेसन 9 नंबर आंसर डी हम एब जीवा 10 को सी हियर आई एम गुड अच्छा गुड पाखे कौन आस आसपे गुड पाखे इन हम यू आर गुड एट ए पर्टिकुलर एक्टिविटी यू आर गुड इन डुईंग ए पर्टिकुलर टास्क। तो ये डुईंग सेन्स गोटे पर्टिकुलर जिनस तोर टैलेंट अच्छी यही सेन्स कहूँ तेना गुड एट आम चूज करवा 10 नंबर आंसर आम सी करवा। आई होप यू आर गेटिंग इट। ओके
So we have solved 10 questions. It's easy. Let's focus on what's coming next. We arrived. Arrived bagare kon hobo re baba? At la ki bonane? We arrived at the station an hour late. C hobo. Clear? 11 number answer C hela. Please check karo samaste. Jiba 12 number ko. They usually spend their holidays in dash mountains, in the mountains. Okay, it's a phrase related to the use of articles. Mon rakhithibo ama class ra ame sabule kahu je if you are preparing for ASO to tin char ta topic upare tame jada focus karibo. Gote hoche preposition, phrasal verb 10 ta 15 ta question asila ame dekhi parthubo. Second hoche article 10 15 ta padibo. Use of a verb which includes helping verb, main verb, tapra subject verb agreement, non finite verb, basic uses. तापर पड़ टेन्स रिलेटेड क्वेश्चन पड़ो पासिव एंड एक्टिव भाषा अल्प पड़ो एंड मुझ स्पेसिफिकली कहते भोकाब क्वेश्चन मोर देन टेन पड़ो यू कैन सी वेदर आई वाज राइट और रॉन्ग ओके सो प्लीज रिमेम्बर एनी वे इन द माउंटेन्स हम आंसर ए हम क्लियर बार गला लेट्स गो टू 13 लिखा है लॉस एंजल्स हैज डैश आइडियल क्लाइमेट सर ये आइडियल वर्डटा जो अच्छी आइडियल पाखे आम एन यूज करा ना दीटा तक हम आइडियल पाखे जदि कंडीशन लिखाई मैंने एन करवा जदि कंडीशंस हम आम से एन यूज करवा ना सर आइडियल कंडीशंस हो पारे ना ना निहाती पारे दिज आर आइडियल कंडीशंस टू हाव ए पिकनिक कही पार ना ना तो ये सेन्स आइडियल कंडीशंस जेहेतु प्लुराल है आर्टिकल रखनी ओके इन एन आइडियल एनवायरनमेंट स्टूडेंट्स विल स्कोर 100 out of 100 तो यहाँ जब कंडीशन सिंगुलर आसो आइडियल पूर्व आम एन वर्डटा यूज करवा तेनो 13 नंबर आंसर आम डी को चूज करवा गेटिंग इट नाउ विल गो नेक्स्ट 14 देख दिस इज आम जानचु सुपरलेटिव डिग्री पूर्व आम दटा यूज करवा तेणु कौन कर दिस इज द वर्स्ट मैक्सिकन रेस्टोरेंट इन द कंट्री 14 नंबर आंसर आम ए को चूज करवा गेटिंग इट जीवा 15 नंबर को आई कांट लिव ऑन ये नो यूज आर्टिकल हम नो आर्टिकल इज necessary here. I can't live on $5,000 a month. We don't need any article here. We will choose option B here. Getting it? So 15 questions we have solved. Let's move on. This is question number 16. Someone call a policeman. I'm going to go to article A ko use kariba. 16 number answer ta C hobo. Okay, please note it. Next we'll go to question number 17. See now. Someone call कौन हम the police हम यूजेस अनुसार रूल टाइटा आर्टिकल ए यूज हम विल चूज 17 ऑप्शन डी ए जदि मुझ कहली मैंने दैट मीन ऑप्शन ए इट डज नॉट मीन द आर्टिकल ए ओके प्लीज बी क्लियर अबाउट इट 17 नंबर आंसर आम ऑप्शन ए द को चूज कलु गेटिंग इट सो 17 इज ओवर लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 18 हियर ही इज डैश रियल अमेरिकन हियर ही इज ए रियल अमेरिकन हियर एटी हम ऑप्शन ए को चूज करें सर द कहीं करवानी ना सब मन रखी एटा यूज हो फॉर इंट्रोडक्शन द टा यूज हो फॉर सब्सिक्वेंट रेफरेंस यार माने कौन हम आई फाउंड ए पर्स हम ना द पर्स हम ए पर्स हम मुझे डैश पर्स कंटेंट कॉइन को पर्स जो पर्सटा मुझे आगे पाई तेनाली कौन लिखा हे द पर्स कंटेंट कॉइन्स हम डैश कॉइन्स वेर मेड ऑफ गोल्ड को कॉइन कथा कहूँ जो कॉइन टा पर्स सब्सिक्वेंट रेफरेंस आसला तेणु द कॉइन्स वेर मेड ऑफ गोल्ड बुझी इंट्रोडक्शन रेफरेंस एंड सब्सिक्वेंट रेफरेंस कॉन्सेप्ट कौन तेणु जदि इंट्रोडक्शन रेफरेंस थी हमें डेफिनेटली ए अथवा एन को प्रेफरेंस दब तेणु ये ऑप्शन सी ए हम ओके 18 क्वेश्चंस वी आर डन हियर लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 19 हियर आई डोंट लाइक डॉग्स बट आई लाइक माय ब्रदर्स डॉग तो ये जेनेली कौन हो फर्स्टा हूँ जेनेल सेन्स कहूँ ओके कैट्स कैनट भी डोमेस्टिकेटेड प्लूराल करदेली ना जब सिंगुलर था ए ही पर था जमीक मुझे कहे ए कैट कैनट भी डोमेस्टिकेटेड बट मुझे कहि कैट्स कैनट भी डोमेस्टिकेटेड प्लूराल करदेली मैंने कौन से आर्टिकल लगे जेनेल सेन्स तेणु ये प्रथम हम नो आर्टिकल क्लीयर 19 नंबर ऑप्शन बी विल बी देयर ओके गिव मी अ सेकंड लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 20 हियर आई हैवंट सीन हिम इन 5 इयर्स प्लूराल अच्छी बोले ए एन द किसी लगे ना नो आर्टिकल करवा 20 नंबर आंसर आम बी को चूज करवा गेटिंग इट सो आफ्टर 20 लेट्स गो मूव ऑन टू 21 हियर कोब ब्रायंट इज ए बास्केटबॉल प्लेयर ये हम आंसर ए करवा ओके ही इज ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन कोई पर्चे ना नहीं वन ऑफ माय कजिन्स इज ए वेरी गुड डॉक्टर सो ये आर्टिकल एटा यूज हम ठीक सो 21 आंसर सी हम
लेट गो टू क्वेश्चन नंबर 22 द फायर डैश द हट्स बिफोर द फायर ब्रिगेड एटा टेंस रिलेटेड क्वेश्चन टा आमे जानिछु सिंपल पास्ट प्लस पास्ट परफेक्ट कांसेप्ट अछि दीटा घटना पास्ट रे हेतिबो जो घटनाटा आग होइतिबो सेटा पास्ट परफेक्ट करबा जुडा परे हेतिबो सेटा कोन करिया सिंपल पास्ट करबा एटी सेंस कोन आसुछि ना फायर ब्रिगेड आसीबा पूर्वरु जळी जायतिला माने पास्ट परफेक्ट हबो ना नै एडा अछि तेनो आंसर आमे ए करबा हैड बर्नड 22 आंसर नंबर ए क्लियर नेक्स्ट जीवा 23 आई हैव डैश माय होमवर्क रिलेटेड टू वर्ब एंड टेंस हैव प्लस v3 फॉर्म आसीबो हैव डन डी करबो क्लियर 23 पर आमे जीवा क्वेश्चन नंबर 24 को देखिनियो डोंट मेक ए नॉइस सी इज स्लीपिंग हबो कारण एटा प्रेजेंट कंटेंशन को रिफर करछि ऑप्शन सी हबो 24 रो गेटिंग इट नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 25 व्हाट्स रिटन हियर will you go to see a movie some of the part of the question is missing sorry for that will you go to see we will choose option a here clear let's go to the next one 26 एठी हमें कौन करया कोची ना जंबल पार्ट ऑफ़ द सेंटेंस को अरेंज करया रछि लेट्स डू द अरेंजमेंट फर्स्ट ऑफ़ ऑल सब्जेक्ट को खोजिबा आरंभ हब सेंटेंस को सब्जेक्ट रु आर रु मोनुमेंट्स हैव बीन क्रिएटेड ओके क्रिएटेड पर कौन हब डायरेक्ट करिबा फेमस तो आसिबनी क्रिएटेड फॉर हब पी क्रिएटेड फॉर थाउजेंड ऑफ इयर्स ये गोटे सेंटेंस सरला एंड माने कंजंक्शन तापर एस आसिब ना ने एस कौन एंड दे आर ऑफन the most durable and famous symbols of ancient civilization okay so r p s q that is the answer I am option d ko choose kariba clear he gala next ko jiba okay give me a second here okay eta dekho same this same question is coming this is 27 dekhiba will follow the same approach let's look at the subject here एस रु स्टार्ट हबो हाँ ना द कंजर्वेशन स्टाटस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स सब्जेक्ट हेला परे भर्ब आसीबो भर्ब कोन पी इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज इंडिकेटर इंडिकेटर कहार आर करिबा फॉर एसेसिंग एसेसिंग माने टेस्टिंग और इवैल्यूएटिंग द कंडीशन कंडीशन कहार ऑफ इकोसिस्टम एस पी आर क्यू एस पी आर क्यू दैट मीन्स ऑप्शन ए 27 क्लियर अच्छे ना नहीं जीवा नेक्स्ट को दिस इज 28 सेम लॉजिक सब्जेक्ट खोजिबा सब्जेक्ट आसीबा कोडी क्यू रु प्रथमे कौन लेखे दि प्रैक्टिस ऑफ प्राइस स्कीमिंग सब्जेक्ट पर वर्ब आसीबा वर्ब कोडी होची एस रे इन्वॉल्व चार्जिंग ए रिलेटिवली रिलेटिवली व्हाट रिलेटिवली सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज मिसिंग हियर एटे रहिबा कोन जे पी फॉर ए शॉर्ट टाइम वेयर ए न्यू इनोवेटिव और मच इंप्रूव्ड प्रोडक्ट पी हबो इज लॉन्च्ड ऑनटू ए मार्केट आर हबो दैट मीन्स क्यू एस पी आर मीन्स वी विल लुक एट ऑप्शन ए हियर गेटिंग इट क्लियरली 28 हे गला 28 परे जीवा 29 को देखिनियो एठी अगेन सेम क्वेश्चन सब्जेक्ट आसीबो कोडी क्यू रो द ताजमहल इज ए व्हाट एस ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट बिल्ट इन 1631 अच्छा के बिल्ड करथिला ना बाय एन एम्परर नेम्ड शाहजहां पी तापरे कहाँ इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल क्यू एस पी आर अच्छा ये गोटे प्रश्न उठे सर क्यू एस पी आर कहीं करवा क्यू एस आर पी करनी कि ना तुमको बुझा पड़ो ये पी रे आम क्या हाइलाइट करजहान को आर रे क्या हाइलाइट मुमताज महल को बिल्डिंग तैयारी किए करा शाहजहान करते ना मुमताज महल करते शाहजहान मुमताज महल करते जी करते प्रथम प्रायोरीटी देवा हाँ ना नहीं तेणु ये आंसर कौन कर क्यू एस पी आर दैट मीन्स ऑप्शन डी हम इज इट क्लियर एवं आगे जाए ये सेमती लिखाई सब्जेक्टा देख सब्जेक्ट आस क्यू रु द गेट वे ऑफ इंडिया किए या वाज डिजाइंड बाय पी को देखा आम ओके क्यू पी वाज डिजाइंड बाय ब्रिटिश आर्किटेक्ट जॉर्ज विटर्ड एंड ये आसो एसटा कौन हम वाज ओपन फॉर जनरल पब्लिक तापर इन द ईयर गोटे अच्छे जोटा कि आमर ये शो करूनी सॉरी फॉर दैट सो क्यू पी एस आर शुड बी द आंसर दैट विल बी ऑप्शन बी 30 नंबर इज इट क्लियर नेक्स्ट को जीवा ओके कूल
31 ओके डू यू डैश दिस इवेंट्स डू यू यू अच्छे मैंने कौन हम लाइक हम डू यू लाइक दिस इवेंट्स ऑप्शन बी हम 31 रो क्लियर क्वेश्चन नेक्स्ट को जीबा 32 द डॉग एंड द कैट दिस जन अछंदी मैंने कौन हम बी न अच्छे मैंने आसी कौन हैव बी हम ऑप्शन हैव बीन फेड 32 परे जीबा 33 को 33 लिखा छै हिज वर्क्स डैश अप्रिशिएबल सर एटा कोन क्वेश्चन भूल अछि बदे वर्क कोन वर्क्स कराइ छी किछ भूल नै ओ वर्क को जदि मु वर्क्स कहिबी एटा लिटररी आसीबो जेमते कि मु कहि पारे आई हैव रेड द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर कोन तार अर्थ बुझिले शेक्सपियर लेखिथिबा तार नोवेल गुडा को ड्रामा गुडा को मु पढि छी त एडी वर्क्स टा गोटे प्रैक्टिकल सेंस रे यूज हेले टेक्स्ट किंबा नोवेल्स और सेमते सेंस रे वाटा यूज हबो जदि एमते यूज होछि प्लुरल हबो प्लुराल हेले भर्टा मध्ये प्लुराल लागिव तेणु हिज वर्क्स आर एप्रिशिएबल 33 रो आंसर आम ए करिबा क्लियर नेक्स्ट विल गो टू क्वेश्चन नंबर 34 सी हियर मेनी ए आम जानू मेनी ए पर नाउन सिंगुलर भर्ब सिंगुलर हम मेनी ए मैन डैश सफर्ड भित्री फॉर्म अच्छे मैंने कौन करू हैज सफर्ड ड्यूरिंग पार्टीशन ऑप्शन आम बी करिबा इज इट क्लियर 34 पर नेक्स्ट को जीवा 35 को द चीफ अलोंग विथ हिज फैमिली सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट विथ अलोंग विथ टुगेदर विथ थिले फर्स्ट सब्जेक्ट अनुसार वर्ब यूज हुए चीफ जेतु सिंगुलर अछि इज इन्वॉल्वड करबा अच्छा हैज इन्वॉल्वड करि परिबे नै कि कॉलेज सेंटेंस रो मीनिंग असने हैज इन्वॉल्वड व्हाट इज इन्वॉल्वड कहबाटा रो लॉजिकल सेंस अछि गोटा लॉजिकल मीनिंग अछि तने बापा बिल्कुल हैज चूज करबे नै इज करबो सी हबो आंसर 35 रो ओके लेट्स गो टू 36 हियर सी सल सल मोडल भर पर कौन आसो भी वन फर्म आसो ना ना सी सल कम सुन ए हम ऑप्शन 36 ए क्लियर नेक्स्ट को जीवा क्वेश्चन नंबर 37 को मीजल्स एस रे वर्ड यूज है बट मीनिंग टा सिंगुलर जमती कि न्यूज व्हाट इज द न्यूज टुडे कौच ना ना तो मीजल्स एट ऑब्वियसली ऑप्शन बी कर इज अ कॉमन डिजीज अमंग चिल्ड्रन विल लुक एट ऑप्शन बी एज द आंसर 37 क्लियर नेक्स्ट विल गो टू क्वेश्चन 38 सी हियर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डैश एनजीओस अच्छा दिस इज ए ट्रिकी क्वेश्चन व्हाई आई विल टेल यू सी हियर आम जो बोर्ड वर्डटा चूज कर बोर्डटा कलेक्टिव नाउन रूप रही है बोर्ड को बुझेब जदि बोर्डटा बोर्ड मेम्बर्स सेन्स यूज करें ये बोर्ड रीनिंगटा प्लुराल या मैंने बोर्ड पाखे सिंगुलर भर्ब लगे प्लुराल भर्ब लगे सर यहाँ गोटे कौ प्रकार रूल एम रूल के रहे जमीक ए ग्रुप अफ चिल्ड्रेन और ए ग्रुप अफ बयज व्वांट टू हेल्प मी हम ना व्वांट्स टू हेल्प मी हम मन रखे तो ये दुईटा जाक हम केमी ना हू वांट्स टू हेल्प मी मुझे जो कहि ए ग्रुप वांट्स टू हेल्प मी सिंगुलर हो गला हू वांट्स टू हेल्प मी मुझे द बॉयज वांट्स टू हेल्प मी ताले कौन हो गला प्लुराल हो गला सो बोथ सिंगुलर एंड प्लुराल हम यार आंसर जाक बोथ सिंगुलर एंड प्लुराल जीवो कौन करिबा ताहले आम ऑप्शन को देखिबा ऑप्शन रे तमे गोटे जिनस मार्क करिबो एटी आर प्लुराल हैव अ प्लुराल वेयर अ प्लुराल हैज बीन सिंगुलर अछि जदि प्लुराल देखिबा माने कौन हबो तीनटा जाक प्लुराल करेक्ट लागो छै ना नै हां तेणु आम तीन टाक प्लुराल करें कि तो ये क्वेश्चन टाक आंसर आम सी विल चूज करवा प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन बिकॉज द ऑप्शंस आर कन्फ्यूजिंग सो दिस इज अ कन्फ्यूजिंग आंसर ये आंसर आम सी करवा बट इट कैन गो आइदर हुए ओके लेट्स वेट एंड वॉच 38 ओवर लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 39 फ्यू एप्लिकेंट्स एप्लिकेंट्स प्लुराल अच्छे ताल हाव हम सियोर हाव बैक्ड आउट सर आम आर एंड वेयर कहीं करवानी ना मन रखि ये बैक्ड आउट मैंने कौ फर्म रहा भित्री फर्म रहा इज आम आर पर भी थ्री फर्म लगे मैंने सेन्टेन्स मीनिंगटा पासीव्रे हो पासीव्रे आर किसी मीनिंग आसू कि न आसवर आम हाव कर 39 रो आंसर ए क्लियर गिव मी अ सेकंड नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 40 सम ऑफ द राइस राइस अनकाउंटेबल नाउन अच्छी मैंने ए करवा इज स्टिल लेफ्ट 40 नंबर आंसर ए हम क्लियर नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट वन 41 पब्लिक स्पीकिंग सिंगुलर सब्जेक्ट इज ए स्किल कहाँ को स्किल बोली कह जाए पब्लिक स्पीकिंग को सिंगुलर सब्जेक्ट इज हम ऑप्शन डी हम 41 जीवा बर्तमान क्वेश्चन 42 को दिस क्वेश्चन 42 इज बेस्ड ऑन द इनफॉर्मेशन गिवन इन अ पैसेज द पैसेज इज अबाउट द इंपोर्टेंस ऑफ अ बुक हाउ इट रियली कंट्रीब्यूट्स एंड टेल्स ए लॉट अबाउट ए पर्सन्स कैरेक्टर द टेम्परामेंट ता विषय से कहूँ सो 42 आंसर टा देखीदे गिव मी अ सेकंड हियर विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज आम जानी बापा पैसेजर टाइटल बुझेर मीनिंग कौन हम पैसेजर मेन आइडिया प्लस पैसेजर कनक्लूजन जहाँ को हाइलाइट कराइव ता अनुसार आंसर हम तो ये तुम देखिपार
एटा होचे कौन बुक आर मैन्स अबाइडिंग फ्रेंड मोस्ट अबाइडिंग फ्रेंड केमिति करिबा कारण ये प्रथम जिन तुम पैसेज पढ़ मैंने लिखाई इट इज ऑलवेज वाज एंड विल नेवर चेंज पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीन टाइम रहा ना तमें कौन हम अबाइडिंग फ्रेंड्स हम बी हम आंसर ठीक अच्छे 42 आई होप यू आर गेटिंग इट गोटे पैसेज अच्छे 43 क्वेश्चन कौन कहे विच आर द फॉलोइंग इज अपोजिट इन मीनिंग एडवर्सिटी रे मीनिंग होचे हार्डशिप माने कहीपर जे बैड लक तार करेक्ट आंसर कौन करवा बी करवा प्रॉस्पेरिटी करवा आंसर बी हम नॉट प्रोग्रेस प्रॉस्पेरिटी हम क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 43 द स्टेटमेंट ए गुड बुक मे बी अमंग द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स केमती करवा चलो एलिमिनेशन करवा देयर कैन नॉट बी ए बेटर फ्रेंड देन ए गुड बुक एटा भूल हम कारण गुड बुक आउ मैन दिजन जाक इक्वली हाइलाइट कर एकटा को मैं कहीपरानी तेना आंसर कौन कर आंसर सी कर ए गुड बुक कैन बी इनक्लूडेड एमंग द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ मैनकाइंड आंसर सी हम 44 रो क्लियर नेक्स्ट विल गो टू क्वेश्चन नंबर 45 से कौन कही क्वेश्चन 45 इज टेलिंग यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू बही विषय सब भल लिखाई बही विषय किसी खराब लिखाई नहीं जो भी खराब लिखाई से आम चूज करवा तुम पढ़ी थो तुम जापर यार आंसर आम कौन करवा सी को करवा वी हाव समटाइम्स टू बी पेसेंट विथ ए बुक एज इट मे बोर ऑज नॉट सपोर्टेड बाय द पैसेज एट ऑल सो हियर द आंसर विल बी ऑप्शन सी क्लियर सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ एट लिखाई अकॉर्डिंग टू द पैसेज ए मैन मे यूजली बी नोन बाय द बुक्स ही रीड्स दैट इज बिकॉज कौन बुझलू इनफरेन्स बेस्ड क्वेश्चन टा कारण से जो प्रकार बही पढ़े ताद्वारा आम तार टेम्परामेंट नेचर विषय जापर श्योर विल गो फॉर ऑप्शन डी हियर आई होप यू आर गेटिंग इट क्लियरली ओके 46 आंसर विल बी डी ओके 47 नाउ वी अगेन कम बैक टू फिलर्स ग्लटन इज रिलेटेड टू ईट एज गैरुलस रिलेटेड टू इट इज एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन ग्लटन मैंने जे खाए तेणु ईट से रिलेटेड गैरुलस मैंने कौन जे बहुत कथबार्ता करे आंसर आम टॉक करिबा ऑप्शन बी ओके 47 नाउ विल गो टू द नेक्स्ट वन 48 ड्वेल इज टू डेनिजन ड्वेल मैंने रहा डेनिजन जी रहे सेमती इनहेरिट किए कर जी लिगल हेयर हो सी इनहेरिट कर ना ये दुटा ऑप्शन अच्छे गोटे सक्सेसर अच्छे गोटे हायर अच्छे लीगल सेंसर कले आम लीगल हायर को आम करवा ठीक अच्छे तो आंसर ये डी कर क्लीयर ये डी एंड बी भर आईद्रफे थे बट आई थिंक विल गो विथ ऑप्शन डी हियर क्लीयर 48 गला 49 को जी सेम थिंग राइटर इज टू रीडर राइटर लिखिले रीडर ताको पढ़ सेमती प्रड्यूसर गोटे जिनस प्रड्यूस कले कंज्यूमर ताको खाइब तो आंसर आम बी करवा यहाँ क्लीयर हो गल 49 ऑप्शन विल बी बी लेट्स गो टू 50 एक्टिव पैसिव वॉइस करिवार द हाउस डैश बाय मी विल अच्छे विल्टा हूँ मॉडल पैसिव मॉडल कौन हुए मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस भी थ्री फॉर्म तेनाली विल थिबारो विल बी क्लीन विल गो फॉर ऑप्शन सी हियर क्लियर 50 सरीगल 51 को देखिए पीपल डैश वॉक ऑन ग्रास यूज ऑफ मॉडल ग्रास रे वॉक करिया कौन कर आंसर कौन कर कुडंट कुडंट तो हेनी मे नॉट हवा दरकार नहीं आंसर आम कौन करवा मस्ट नॉट करवा गोटे रूल सेन्स आसा सो वी विल चूज ऑप्शन सी हियर 51 क्लियर नेक्स्ट जीवा 52 को चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर व्हाई इनवर्सन रूल आसो डब्ल्यू एच वर्ड अच्छी मैंने ऑप्शन बी को चूज कर व्हाई डिड सी लीव सो अर्ली 52 आंसर हम आम बी क्लियर जीवा बर्तमान 53 को ओके सिलेक्ट द सेम मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड टेक केयर नॉट टू गेट हॉट विथ द स्टीम फ्रॉम द केटल व्हाट एडी नॉट टू गेट हॉट अच्छे हाइलाइट हवा कथा हाइलाइट है सो गेट हॉट मैंने स्टीम लिखी केटल रु तो मन रखे तो भेपर द्वारा जदि तोर किसी हॉट हम मैंने इंग्लीश गोटे टर्म अच्छे दैट टर्म इज नोन एज स्काल्ड SCALDED स्काल्डेड बोली करू सो यू हैव टू चूज ऑप्शन सी डोंट लाइक बर्नड और ब्रुइज्ड और कट कट वेपन हम ब्रुइज खंडिया खबर हो बर्नड मैंने जलिजी स्टीम रु तु जलिजु कि निया थी तु जलिजु भापर जदि तोर एम छाल छाल पड़ज मैंने स्काल्डेड बोली कह ऑप्शन सी हम 53 गेटिंग इट तो 54 को जी डैश हिज प्रिंसिपल्स ही हाज टू बी वेरी केयरफुल करेक्ट फ्रेज विथ रिगार्ड्स टू हम किंबा रिगार्डिंग हम तेना विथ रिगार्ड टू ऑप्शन सी करवा क्लियर 55 को जी 55 ही वाज सीन वाज सीन बारे कौन हम आईदर टू प्लस भी मान हम ना आई एन जी फर्म हम ही वाज सीन गोइंग टू द स्कूल विल चूज ऑप्शन बी हियर 55 इजी क्वेश्चन आसाला ओके
56 को जीवा दे ऑर्गेनाइज्ड ए पार्टी डैश हिज ऑनर तार स्वागत रे तार ऑनर रे माने एटी सबले वर्ड आसीबो इन कोठी अछि किछ नै ऑप्शन सी रे हेबो इन ओके हिज ऑनर दैट अजिता वाज नॉट इनवाइटेड इनवाइटेड पके 2 लागिबो इनवाइटेड टू इट वाज अ शेम सी एडमायर्ड हिम मोस्ट एंड इट सीम्ड अनलाइकली दैट शी वुड फॉरगिव द ऑर्गेनाइजर्स फॉर देयर ओमिशन वी विल लुक एट ऑप्शन सी हियर रियली नो चॉइस इजी क्वेश्चन 57 को जीवा 57 लिखा है जी व्हेन आई से द बेनिफिट्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन आर मूट मूट रो मीनिंग होचे डिक्शनरी मीनिंग होचे समथिंग व्हिच इज डिबेटेबल समथिंग व्हिच इज नॉट क्लियर लेट्स कम टू द मूट पॉइंट ऑफ द पार्टी जो ऊपर हमें डिबेट करबा डिस्कशन करे ता बिषय कथाता करबा तो आंसर एटे डी हबो दैट द बेनिफिट्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन आर डिबेटेबल आंसर हबो डी गेटिंग इट क्लियर सो 57 इज ओवर आफ्टर दैट 58 को जीवा अच्छा चलो एटा मैच करबा अगेन बेस्ड ऑन प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग पाखे 2 लागिबो डिफरेंट पाखे फ्रॉम लागिबो बेस्ड पाखरे ऑन लागिबो बोर्ड पाखरे बाय हबो कंसिस्टिंग पाखरे ऑफ हबो आंसर हमें ऑप्शन ए को चूज करबा यस और नो सो दिस विल बी ऑप्शन ए 58 ऑप्शन विल बी ए क्लियर जीवा नेक्स्ट को 59 सेटे लिखा है ए सेंटेंस रे केतरा वर्ब अछि चलो चूज करबा केतटी भर्ब अच्छे प्रथम हि हैड अर्न एटा हूँ गोटे भर्ब हिज वेल पेड जब आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल बट व्हेन हि व्हेन द कंजंक्शन लव हूँ गोटे भर्ब एट द मोस्ट इन अपॉर्चुन टाइम इट कॉस्ट हिम द जॉब माने हैड अर्न लव एंड कॉस्ट द मान आंसर हमें बी को चूज करवा 59 आंसर हम बी क्लियर नेक्स्ट लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 60 हियर गिव मी अ सेकंड सो लिखा है द राउस हैड बीन लिविंग सो फ्रुगली ऑल ईयर दैट दे सेव्ड एनफ मनी फॉर ए मर्सिडीज यू कैन ऑब्जर्व द सिक्वेन्स ऑफ वर्ब्स हियर आम ए सेंटेंस रे वर्ब सिक्वेन्स देखा हैड बीन लिविंग माने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आउ एडी लिखा है दे सेव्ड माने पास्ट गोटे पास्ट आ गोटे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन बरी कंक्लूजन ड्रॉ करवा दुटा घटना पास्ट रे अच्छी गोटे घटना पास्ट होता ता पूर्व आउ गोटे घटना कंटिन्यू चली था हाँ ना नहीं सेमती सेन्स आस तुम आंसर ये कौन कर बी को करवा द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज्ड हियर जोटा यूज हो इंडिकेट करे जे ऑनगोइंग स्टेट स्टेट मीनिंग अवस्था प्रायर टू ए पास्ट एक्शन माने दुटा घटना पास्ट अच्छी गोटे घटना पूर्व आउ गए घटना कंटिन्यू चलता तो आंसर ये बी को चूज करवा 60 आंसर विल बी बी हियर क्लियर नेक्स्ट को जीवा 61 दे कुड नॉट एडमायर हिज ब्राइट परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ दे डिसलाइक हिम भूल अच्छी बिकज अफ अफ पर दे डिसलाइक हम कि टोटाल लगेनी तो ये आंसर कौन कर बिकज अफ दे आर डिसलाइक हिम आंसर भूल हम कहीं कुड नॉट माने पास्ट टेंस अच्छी ओके बिकज दे डिसलाइक्ड हिम हेल्ले था कि हेनी ए कर बिकज अफ दे आर डिसलाइकिंग अफ हिम यटा केमी यूज है ना मन रखा अफ पर आम गोटे कौन करवा ना गोटे जेरनटे यूज करवा आई एन जी फर्म आस तो आई एन जी फर्म पूर्व जदि आम गोटे प्रोनाउन डे यूज करवा जेनेली सेटा मीनिंग अनुसार आइदर ऑब्जेक्टिव केस रे हबो नचे पोजेसिव केस रे हबो केमिति हबो ना सपोजिंग मु कहबी मते से लोकर सिंगिंग भल लागोनी आई डू नॉट लाइक हिम सिंगिंग हबो कि आई डू नॉट लाइक हिज सिंगिंग हबो मु जतले ताकु गली देखिली सेतबेले से गार्डन रो डोर टाकु लॉक करथला आई सॉ हिम लॉकिंग द डोर एडी हिज हबोनी तो ये आम बुझे पड़ो एटा को सेन्स यूज होटा ओपिनियन लाइक डिसलाइक ओपिनियन सेन्स सब जेरंड आसो जदि जेरंड आसने पूर्व आम कौन करवा प्रोनाउन टाक दे आर करें अप्सन ये ए कर बिकज अफ दे आर डिसलाइकिंग अफ हिम तुम बुझे पड़ो ये डिसलाइकिंग गोटे जेरंड जेरंड पूर्व पोजेसीव केस आस लाइक एंड डिसलाइक सेन्स बुझेगा अप्सन ए हम अगर कौन से अप्सन ना सो दिस इज ए ट्रिकी क्वेश्चन 62 को देखा सी वाज अनइजी बिकज सी नेवर ऑन ए प्लेन बिफोर अच्छा बिफोर माने पास्ट परफेक्ट है सी हैड नेवर बीन कर ऑप्शन ए हम 62 क्लियर क्वेश्चन जीवा 63 को 63 लिखा जी दे ओनली वर्क व्हेन दे हैव नो मनी ओनली टा हूँ गोटे एडवर्ब आम एडवर्ब में पढ़ेलु ओनली रूल टाक ओनली टा सेंटेंस जहाँ को एम्फासाइज कराए पाखे बसे तेणु ये कौन कर दे वर्क ओनली व्हेन दे हैव नो मनी ऑप्शन आम सी को चूज करवा क्लीयर है गला 64 को लेट्स गो फॉर दैट
सेठी कहि सेंटेंस को केमिति हम इंप्रूव करिया आई टी एक्सपर्ट्स सब्जेक्ट भर्ब है कौन मे हैव टू स्टॉप हंटिंग हंटिंग फॉर व्हाट बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज एज दिज आर नॉट सो इजिली अवेलेबल मे बी स्टॉपिंग वर्किंग ठीक लगुनि शुड हैव टू स्टॉप मीनिंग वन्स करेक्ट तो ये सेंटेन्सटा जमी अच्छे आज इट इज करेक्ट अच्छे यार ऑप्शन तुम ए कर नो करेक्शन रिक्वायर्ड 64 डोंट मेक एनी चेंजेस आंसर ए हम 64 ओके 65 को जीवा द एनवाईसी बिल्डिंग एट न्यूयॉर्क सिटी इज एज हाई एवरी अदर बिल्डिंग एटा हूँ रूल ऑफ एनी अदर तो कंपेरेटिव डिग्री प्लस एनी अदर हुए ना नहीं तेनाली आंसर कौन कर इज हायर देन एनी अदर बिल्डिंग ऑप्शन सी आसव सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन रो गोटे क्वेश्चन आके ये क्वेश्चन टा पार्टिकुलरली को सेंस रे हमें पढ़ा आर्जेक्टिव गोटे था इंटरचेंजिंग द डिग्री ऑफ आर्जेक्टिव से आसव क्लियर 65 गला लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 66 हियर ओके चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच एज वेल एज माने कौन हम यहाँ कंजंक्शन टा हम ऑप्शन ए को चूज कर लेट्स गो टू क्वेश्चन 67 नाउ द पॉलिटिशियन इज नोटोरियस फॉर फॉर टाइप गोटे प्रिपोजिशन हम इट इज ए रिलेशनल वर्ड ऑप्शन बी हम 67 लेट्स गो टू क्वेश्चन 68 द गोल्डन रिंग सब्जेक्ट इज लिंकिंग वर्ब टू एडवर्ब कॉस्टली कौन हम आर्जेक्टिव हम ना नहीं तेनाली आंसर सी हम आर्जेक्टिव 68 गेटिंग इट क्लियर तापर जीवा नेक्स्ट को गिव मी अ सेकेंड 69 चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ द वर्ड इन ब्रैकेट तो द क्वेश्चन इज मिसिंग हियर आई एम रियली सॉरी फॉर दैट यार करेक्ट आंसर तुम्हें 2+ V मन लिखाई थी तेणु यू आंसर बी चूज कर इनफिनिटिव बोली चूज कर गेटिंग इट क्लियर नेक्स्ट को जीवा 70 ए ग्रेट टॉकर इज अ ग्रेट लायर लायरटा कौन गोटे नाउन हम ऑप्शन डी करवा 70 गेटिंग इट क्लियर नेक्स्ट को जीवा 71 ओके यू हैव हियर यू सी ईट टू लिव बट डू नॉट लिव टू इट दैट इज द सेम क्वेश्चन इट इज रिपीट सो ये कौन हम टू लिवटा कौन हम गोटे इनफिनिटिव हम बी हम क्लियर सो 71 इज ओवर लेट्स गो टू 72 अनिता डैश फॉर द चैरिटेबल कॉज अनिता केम टू कंट्रीब्यूट हम प्रथम मन रखित टू पर भी वन फर्म आस ओके भी वन फर्म आस ऑप्शन एटा भूलगला बीटा भूलगला डीटा मूल भूल हम कहीं टू भी कंट्रीब्यूटेड हेनी आंसर डायरेक्ट सी कर केम टू कंट्रीब्यूट 72 आंसर आम सी हम क्लीयर जीवा बर्तन 73 एवरी वन एट द पार्टी डैश एट सब्जेक्ट अगेन सम पार्ट ऑफ द डायरेक्शंस आर मिसिंग आंसर ए हम वाज इनवाइटेड गेटिंग इट क्लीयर नेक्स्ट जीवा 74 एलिस इज नॉट एट होम एट द मोमेंट सी इज आट वर्क एट गोटे फ्रेज टा आंसर आम डी को चूज कर 74 आई होप युअर गेटिंग इट क्लीयरली 75 फ्रेंच पीपुल लव कुकिंग ओके द इंग्लीश डोंट सीम भेरी इंटरेस्टेड देर इज ए कंट्रास्ट बिटवीन द फ्रेंच एंड द इंग्लीश पीपुल ये सर नो तो मैंने कंट्रास्ट इंडिकेटेड वर्ड को यूज करवा वेयर एज ऑप्शन डी हम 75 क्लीयर नेक्स्ट जीव 76 सो एटा करेक्ट ऑप्शन चूज करवा माय आंट यू मस्ट रिमेम्बर ये जो रिलेटिव क्लॉज अच्छे दिस इज पंक्चुएशन रिलेटेड एरर नॉन एसेंशियल इनफॉरमेशन को लिखुची तेनाली सेपरेट करवा दरकार आंसर बी कर माय आंट हु लिव्स इन मुंबई इज ए डॉक्टर ऑप्शन बी को चूज कर क्लियर आफ्टर 76 लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 77 हियर वेट ए मिनट आई विल कैरी दिस बॉक्स फॉर यू आराम से करी परिबो आंसर एटी बी हबो 77 रा आंसर हमें बी को चूज करबा नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 78 इट्स वेट हबो दैट इज नॉट वेंट हियर सॉरी अगेन इट्स वेट एंड रेनी आउटसाइड टुडे यू शुड नॉट गो आउट एडवाइस सेंस रे हमें ऑप्शन ए को चूज करबा 78 रो आंसर हबो ऑप्शन ए क्वेश्चन गुड़ाक डिफिकल्ट अच्छे पिले मत लगुना डिफिकल्ट थी भल कर ऑल ऑफ अस हैव हाई एक्सपेक्टेशंस ठीक या कौन कही पासिव रे कन्वर्ट कर चल कर सब्जेक्ट कौन सॉल्ट वाटर ये है सब्जेक्ट नुह कि भर्ब कौन करोडेड करोडेड व्हाट द मेटल बीम्स आरंभ हो सेंटेन्सटा मेटल बीम्सटा प्लुराल अच्छी मैंने हेल्पिंग भर्ब प्लुराल लगे द मेटल बीम्स वेयर करोडेड आंसर आम डी को चूज कर 79 आंसर डी हम क्लीयर लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 80 द हेडमास्टर डैश टू टॉक टू यू वांट्स हब ऑप्शन बी को चूज करिबा गेटिंग इट क्लियर
Now we are into the last 20 questions. Okay, let's see. 21. A bomb scare dash a delay. कौन हबा? Direct verb पर ing form causing तो आसीबने. Bomb scare singular होचे cause तो आसीबने. Was caused माने passive हवा कथा. Was plus भीतरी form कौन सी option होने? Answer D करीबा. Had caused a delay for the flight. 81 answer हबा अपना D. Getting it? After that, let's go 82. Everyone understands English. Passive करो. English is understood हबा. भी वान अच्छे माने is MR plus भीतरी form. ऑप्शन ए हव 82 रो ए क्लियर 82 रे गला परे लेट्स गो टू 83 लिखा है जी द डायमंड रिंग ये हला सब्जेक्ट ओके दैट हर हस्बैंड बॉट फॉर हर हव एठी एडा हव रिलेटिव क्लॉज एडा हर लागिबो ओके भर बडा लगन टर्नड आउट टू बी ए फेक वन टर्नड आउट माने कोन एडा फ्रेजल एक्सप्रेशन टेन टर्न आउट लगे ऑप्शन सी कर एज पर यूजर्स तुम जानी द न्यूज और द र्यूमर टर्नड आउट टू बी फॉल्स एमती कह नहीं तेणु ये सी हम आंसर 83 रो ओके 24 टॉम डैश टू कॉल सुजन यस्टरडे देख लापा ये यस्टरडे अच्छे मैं इट इज इन पास्ट टेंस वाज सपोज हम ना नहीं आंसर ये डी कर 84 रो गेटिंग इट क्लियर सो 84 पर जीवा 85 को देखा कौन लिखा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट सी इज सीनियर इनफेरियर जूनियर सीनियर ए सब वर्ड पाखे कौन लगे प्रीपोजिशन देन लगे नहीं टू लगे तेनाली सी इज सीनियर टू मी ऑप्शन बी हम 85 क्लियर नेक्स्ट जीवा 86 को चूज द करेक्ट आई विल इनफर्म दिस टू देम हम बिल्कुल बी को चूज कर आई विल इनफर्म देम ऑफ दिस इट साउंड्स वेरी स्टूपिड तेन आंसर ये सी कर आई विल इनफर्म दिस टू देम सी हम आंसर 86 ओके गेटिंग इट क्लियर 87 को देखा सी लिवस इन एन अपार्टमेंट गोटे अपार्टमेंट रे रोचे तेणु आंसर आम ए को चूज कर 87 सी लिवस इन एन अपार्टमेंट 87 ऑप्शन विल बी ए क्लियर नेक्स्ट जी 88 व्हिच सेंटेंस इज करेक्ट वी विल गो शॉपिंग ये गोटे पॉइंट आसो सर ऑप्शन ए आउ सी कोटा चूज कर वी विल गो टू शॉपिंग कौन हम नहीं कि वी विल गो फॉर शॉपिंग हम नहीं कि मन रखी था वर्ब ऑफ रिक्रिएशन लाइक गो एंड वेंट प्लस वर्ब ऑफ रिक्रिएशन पाखे डायरेक्ट जेरंड लगे दैट इज अ रूल तेना आंसर ये ए कर विल गो शॉपिंग शुड ऑप्शन ए हम ओके सी वेंट फॉर स्विमिंग भूल सी वेंट स्विमिंग एमती हम एटा गोटे रूल यू मे चेक इट 88 आंसर ए हम नेक्स्ट जीवा 89 लिखा है विच सेंटेंस इज करेक्ट टायर्ड ऑफ हम सब जानी तेणु टायर्ड ऑफ वर्किंग आंसर आम ए करवा 89 रो ए सेंटेंस विल बी करेक्ट गेटिंग इट लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 90 लिखा है कौन द वर्ड इन द ब्रैकेट मीन्स कौन इंट्रिग मीनिंग है जो तुमको गोटे मिस्ट्री सेन्स आंसर ए कर अराउजेस इंटरेस्ट मैं तो भितर गोटे इंटरेस्ट क्रिएट करें गोटे जिनस जानापी आंसर ए हम 90 वे आर इन टू द लास्ट 10 वर्ड्स 91 दे कौन ना द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज वेयर फंडलिंग द स्काय अच्छा गच्छर डाल गुड़ाक स्काय को कौन कर मूव कर कि मीनिंग आसनी लीन कर कि सपोर्ट दे पार कि नो मीनिंग इज देयर कौन हम टच कर कि रिचिंग द स्काय मैंने बढ़ुची तेना आंसर यहाँ डी कर ओके सी आउ डी भितर ऑप्शन बट वी विल गो विथ ऑप्शन डी हियर गेटिंग इट क्लियर सो 91 इज ओवर लेट्स गो टू 92 व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड वेरासिटी वेरासिटी मीनिंग है ट्रुथ अथवा रियलिटी विल गो विथ ऑप्शन बी हियर गेटिंग इट क्लियर आफ्टर 92 लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 93 हियर एंटोनिम ऑफ मिलिटरी मिलिटरी एंटोनिम कौन हम सिविल हम डोंट से सिविलिटी सिविलिटी मीनिंग है पोलाइट बिहेवियर बट ये करेक्ट आंसर हम ए सिविल गेटिंग इट क्लियर 94 को जीवा ओके गिव मी अ सेकंड हियर लेट्स गो टू 94 क्वेश्चन 94 लिखा है एम्ब्रेस एम्ब्रेस अपोजिट वर्ड कौन हम एम्ब्रेस मैंने जन को वेलकम करवा अपोजिट आंसर हम रिजेक्ट ओके आंसर हम सी क्लियर लेट्स गो टू क्वेश्चन 95 हियर सबवर्सन सबवर्सन मैंने कौन गोटे जिन न मानवा तार करेक्ट आंसर हम कंप्लायंस डिस्टेबल मैंने अनस्टेबल करदेव यहाँ सबवर्सन वर्ड कौन हम जे सिनोनिम सेन्स लगे कारण गोटे जिनस सबवर्सन कले स्टेबिलिटीटा हैम्पर हुए ओके सैनिटी माने हैला कॉमन सेंस और क्लैरिटी कही पारिबा इनसैनिटी अपोजिट वर्ड विल गो विथ आंसर सी कंप्लायंस मीनिंग है ओबे करिबा फॉलो करिबा आंसर सी हबो लेट्स गो टू क्वेश्चन 96 हियर
सिनिस्टर रा मीनिंग होची इविल तार अपोजिट वर्ड कोन हबो गुड ऑप्शन ए हबो क्लियर आफ्टर 96 वी आर इनटू द लास्ट फोर वर्ड्स 97 सी वाजंट फीलिंग वेल सो सी वाज डैश टू गो पार्टी को जीवन हेजिटेशन सेंस आछी आमे वर्ड चूज करबा रिलक्टेंट ऑप्शन बी हबो रिलायंट माने डिपेंड करबा जण को ऊपर रिलिंक्विश माने अबैंडन रेजिस्टेंस माने गोटे जिनस को रेजिस्ट करबा व्हाट्स द बेस्ट ऑप्शन हियर एज पर द मीनिंग बी हब रिलक्टेंट गेटिंग इट क्लियर आफ्टर दैट 98 ही फायर्ड हिज असिस्टेंट फॉर एक्सेसिंग हिज फाइल्स विदाउट हिज कौन परमिशन सेन्स आसमिशन वार्ड आंसर हम कनसेंट 98 आंसर आम सी को चूज करवा गेटिंग इट क्लियर आफ्टर 98 लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन 99 को दुटा वार्ड आईदर सिनोनिम हम कि एंटोनिम हम चूज करवा ये मन रखी तो विथस्टैंड एंड सरेंडर ए दुटा वार्ड जाक अपोजिट सेन्स आस वन एंड फोर दैट मीनस ऑप्शन बी हम करेक्ट आंसर गेटिंग इट क्लियर लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट वन 100th नंबर क्वेश्चन हियर ओके गिव मी अ सेकेंड आई थिंक ओके सी दिस वन ये लिखाई 100th नंबर क्वेश्चन रे कौ दिन वार्ड हम ग्रेगरियस एंड सोसिएबल आर सिनोनिम सो वन एंड थ्री मीन्स वी विल चूज ऑप्शन ए हियर सो वेल दैट्स इट फॉर टुडे आई होप यू हैव डन वेल गॉड ब्लेस यू स्टे पॉजिटिव स्टे कॉन्फिडेंट थैंक यू वेरी मच शुभ संध्या तो बानिक को अपन मन को स्वागत तो बानिक स्मार्ट क्लास को तो आज एसओ रो जो अमर 100 गोटी उड़िया विभागीय क्वेश्चन पड़ी छी तो से संबंध हम आलोचना करबा तो प्रथम नंबर देखिबा तो वाक्य मध्य सर्वनाम देश सर्वनाम परस्पर को अपेक्षा करते जदि अपेक्षा करा जाए तेज कौन कह जाए आपेक्षिक संबंधवाचक सर्वनाम पद ठीक अच्छे तो वाक्य जदि परस्पर को जो सर्वनाम अपेक्षा करती तेज कौन कह जाए आपेक्षिक संबंधवाचक सर्वनाम पद तो आंसर कौन हम सी आग को जीवा अच्छा देख खेलु क्रियापद पुरुष वचन निर्णय कर तो खेलु कौन हम तो देख मु खेलु खेलु से खेलु ठीक अच्छे तो मु खेलु से खेलु जदि मु खेलु खेलु तो ये मुला प्रथम पुरुष एवं ये खेलु एक वचन ना नहीं एवं से तृतीय पुरुष एक वचन बुझेना तो ये प्रथम पुरुष बहुवचन अच्छे यहाँ हेनी तृतीय पुरुष बहुवचन अच्छे ये भी हेनी द्वितीय पुरुष बहुवचन अच्छे यहाँ हेनी ये तृतीय पुरुष एक वचन अच्छे तो उत्तर ये कौन हम 102 डी है आगे जावा तो ये कौन हम मु से खेलु अर्थात तृतीय पुरुष एक वचन अच्छा देख देख धातु मूल संस्कृत धातु मूल संस्कृत डेस धातु आसी तो देख धातु साधारण कौ धातु आसी द्रक धातु आसी तो आंसर कौन हम डी आग अच्छा देख डी गुण नथिले धनर की प्रयोजन ये कौन लगे प्रयोजन हला तो गुण नथिले धनर की प्रयोजन उक्त वाक्य के धन शब्द द्वितीय भित्र प्रयोग अच्छे तो ये कौन हम प्रयोजन आर्थिक शब्द जुगर तृतीय भक्ति ठीक अच्छे तो हेतु अर्थ में प्रकृति अर्थ में भी हो पारे विनिमय अर्थ में हो पारे तो आंसर कौन हम बी अच्छा देख के देशज धातु तो उड बंध भीत तो युवाकानी भीत बंध तो युवाक सब वैदेशिक धातु हे उड उड भी ये पार उड़ा उड धातु उड़ा तो ये उड़ा तो ये उड़ता चढ़े बढ़ता गच्छ तो युवाक सब कौन हो पार दशम श्रेणी में पार कि भूलटा ये कौन हम देशज धातु हो पार ठीक अच्छे आगे जावा अच्छा 106 तो देख विशेष रूप काल पुरुष वचन प्रवृत्ति धारणा मिले ना अर्थात जो क्रियावाचक विशेष रूप काल वचन पुरुष प्रवृत्ति धारणा मिले ना कौन कहते ठीक अच्छे
तो ताको कौन कहे जाए विशेष्य एटी विशेष्य एभली लिखा जीव विशेष्य रु काल वचन पुरुष धारणा जन्मे ना तेज को क्रिया कह सिद्ध क्रिया कह ठीक अच्छे तो क्रिया को साधारण द्विभाग विभक्त करोटे सिद्ध क्रिया गोटे हूँ साध क्रिया जो क्रिया काल वचन पुरुष धारणा जन्मे ना सिद्ध क्रिया कहसे और जो क्रियापद रू काल वचन पुरुष धारणा जन्मे तो साध क्रिया कहते ठीक अच्छे आगे जावा अच्छा विशेष पद गुड़िक विभक्ति युक्त हेले विशेषर आकृति कौन होता तो विशेष पद गुड़िक विभक्ति युक्त हेले विशेषर आकृति निश्चित रूपे परिवर्तित घटी थाए ना नहीं परिवर्तित धरिन कर्मकारक जो भाई प्रत्यह मोर गोटे क्वेश्चन पड़ी प्रत्यह ईश्वर को प्रार्थना कर तो प्रत्यय ईश्वर को प्रार्थना कर तो ईश्वर पाखे जो कु लगिगली तो ये कौन है विशेष पद गुड़िक विभक्ति युक्त हेल्ले विशेष आकृति परिवर्तन होता है तो ये कुला ये कौन है ये कर्मकारक ईश्वर को प्रार्थना कर ईश्वर कर जदि होगा संबंध कर्म सम्बन्धे सृष्टि होगा तो ये कौन हम आंसर पर ठीक अच्छे शहे सात रनसर कौन हम ए आगे जावा अच्छा तो ये देख तुम्हें मैंने पाने खाली क्रिया पढ़ की ही आम क्रिया ही खाली होती सेमती जमा भी नुहे क्रिया व्यतीत तो अलग क्वेश्चन आसो मुझे तुमको बारंबार कही तुम जहा जा पदर श्रेणी विभाग विशेष विशेषण सर्वनाम अवय क्रिया और प्रत्यय अनुसार तद्धित कृदंत सब आसपार तो से सब सम्बन्ध मुझे तुमको कही कारक विभक्ति से सब पढ़ाक तुमको कही कि तुम्हें मैंने केवल क्रिया ही पढ़ी आम जीव से तुम्हें मान भावुल कि भाविका जमा उचित नुहे केवल क्रिया ही क्वेश्चन आसो ता व्यतीत अलग विषय जहाँ तुम सिलेबस अच्छी क्रिया सहित प्रत्यय सहित जो सब विषय संजोग रही से सब सम्बन्ध मत प्रश्न आसपार ठीक अच्छे अच्छा देख तो आसपार कौन आसी ठीक अच्छे तेणु तुम्हें से भाई जमा जहाँ सिलेबस अच्छी संजोग कर जो जो विषय आम रही से सब सम्बन्ध विषय को आम पढ़ा नितांत अपरिहार्य अटे और जदि आम से विषय न पढ़ी अल्प क्वचित विषय ही पढ़ी जावा परीक्षा आम भल कर ठीक अच्छे अच्छा देख हलिया को शब्दर गठन क्षेत्र में तो कौन हम मूल प्रकृति सह प्रत्यय संजोग कर हलिया तो जो भाई ये तथित पद तो हल युक्त इया तो ये कौन हैला हलिया कौन होगा मूल यहाँ हम मूल तो मूल प्रकृति सह प्रत्यय संजोग कर तो 108 कौन है ए आगे जावा तो यहाँ तद्धित मत आसीगला तुम प्रश्न अच्छा आग को देख धातु असमापिका क्रिया विभक्ति सर्वदा कौन होता है धातु असमापिका क्रिया विभक्ति युक्त होता है सर्वदा युक्त होता है धरी नियम होती खाई तो ये कौन है इ प्रत्यय संजोग है जो भाई मुझे तुमको गोटे एग्जांपल दे आगर जो सैन्य मान अस्त्र धरी युद्ध को गले तो धरी ये कौन है तुम प्रश्न भी पड़ी तो धरी गोटे असमापिका क्रिया तो इ प्रत्यय संजोग है तो सर्वदा युक्त होता है ठीक अच्छे अच्छा आग को जीवा 109 है कौन ए अच्छा 110 देख क्रिया बहुवचनांत होते कर्तारे कौन होता है तो कौन सी गोटे सर्ग जोग करवा दरकार हुए ना कौन सी गोटे सर्ग जोग करवा दरकार हुए ना तो कौन सी भी सर्ग जोग करवा दरकार हुए ना क्रिया बहुवचन होते कर्तारे कौन होता है कौन सी प्रकार सर्ग जोग लिखिले लिखिले अर्थात ये कौन है से माने लिखिले तो ये कौन सी प्रकार सर्गर जोग करने को पड़े ना तो आंसर हम डी आग को जीवा अच्छा देख कालिदास को भारत शेक्सपियर कहती शेक्सपियर जड़े भल लेखक थे तो शेक्सपियर कौन होता
नामवाचक होता कि कालिदास को भारत शेक्सपियर जे भल भल ग्रंथ रचना कर सहित तुलना कर महान ग्रंथ जो मैंने रचना कर सहित तुलना कर शेक्सपियर सहित तुलना कर तेनाली कौन हम जातिवाचक अर्थ में व्यवहृत हम क्यों विशेषण उक्त वाक्य शेक्सपियर क्यों विशेष रूपे व्यवहृत होती तो शेक्सपियर ये जातिवाचक रूपे व्यवहृत हो आगे जा अच्छा तो देख तो ये तपस्वी शब्द किपर विशेष विशेषण में पर्णत हो तथित प्रक्रिया द्वारा तो तदि मूल शब्द जदि विशेष होता है तथित पद विशेषण होता है और मूल शब्द जदि विशेषण होता है तथित पद विशेषण तप है तपस्वी तपस्या युक्त इन प्रत्यय तपस्वी है तो ये कौन है तथित प्रक्रिया द्वारा होता है आगे जावा तो आंसर हम 112 हूँ बी अच्छा देख सिन्ना एक क्यों अवयव सिन्ना ये सम्मति सूचक अवयर कार्य करते तो सिन्ना ये कौन आंसर हम डी सम्मति सूचक अवयव तुम्हें कहले सिन्ना मुझी अर्थात तुम्हें जदि कह सम्मत परिप्रकाश कर सिन्नाटी कौन है सम्मति सूचक अवयव आगे जावा अच्छा देख क्रियाटी क्रियाज विशेषण केउटी क्रियाज विशेषण तो हजिल धन हम तो हज धातु युक्त इला प्रत्यय तो मुझे तुमको बारंबार कर क्रियाज विशेषण क्या कहे जो विशेषण पद धातु प्रत्यय संयोग कर सृष्टि होता है विशेषण गोटे क्रियागत अवस्था को सूचना प्रदान करते तेज आम कौन कहते क्रियाज विशेषण क्रियावाचक विशेषण तो परम दयालु गुणवाचक हम तीक्षण अस्त्र ये भी गुणवाचक हम प्रभुत शक्ति तो ये प्रभुत शक्ति गोटे परिमाणवाचक हम ठीक अच्छे तो हजिला धन तो यहाँ हम क्रियाज विशेषण तो आंसर कौन हम बी आगक अच्छा मुझे विषय में सब जाने ये सब प्रश्न मुझे तुमको बारंबार कराई जो गुड़ाक मुझे एग्जाम्पल भी देती से सब विषय में पूरा एग्जाम्पल गुड़ाक प्रश्न में आसी जाइए तेणु ये कौन है मुझे विषय में सब जाने तो सब ये सब समस्त तो सब कौन हम निर्णायक सर्वनाम पद है जो सर्वनाम पद विशेष पद को निर्णय करने सहित समष्टिगत अर्थ परिप्रकाश करता है तेज आम कौन कहीदू निर्णायक सर्वनाम पद बोली कहीदू जो भी उभय अपर आर सब समस्त ये सब गुड़िक निर्णायक सर्वनाम पद ठीक अच्छे तो आंसर कौन हम डी तो आगे जावा अच्छा तो देख ज्वल धातु जाजुल्य जाजुल्य गठित तो ये ज्वल धातु जाजुल्य गठित कर्मवाच्य धातु तो प्रेरणार्थक कर्मवाच्य धातु नाम धातु अतिशय्य अर्थ धातु तो अतिशय्य अर्थ धातु हम अर्थात ये निजंत तो निजंत अतिशय्य अर्थ व्यवहृत होता है तो जाजुल्य तो अतिशय्य अर्थ निजंत धातु प्रयोग होता है निज प्रत्यय संयोग होजंत धातु प्रयोग होजुल्य होता है तो ये कौन हम अतिशय्य अर्थ धातु हो पार 116 डी अच्छा देख आगे जावा अच्छा क्योंटि शुद्ध शब्द दर्शन तो नियुक्त त्र नेत्र नी धातु युक्त त्र नेत्र तो यहाँ कौन हम कृदंत पद तो कृदंत तदित मत तुम प्रश्न आसीपर मुझ तुमको आगुरी कही थी कि भी आसपर कि तुम्हें केवल क्रिया को ही पढ़ी आम जीवो से भाई मानते दृढ़ निष्पत्ति नहीं ना ना तो तेणु किसी भी परीक्षा आसपा तेणु सब सम्बन्धी विषय को आम पढ़ी प्रिपेयर होकर परीक्षा को जवा उचित अटे अच्छा देख आगक जावा अच्छा देख संस्कृत त्रुप्रत्यय ओडिया डेस धातु होता है त्रुप्रत्यय संस्कृत ओडिये ता होता है ठीक अच्छे तो ओडिया ता होता है यहाँ आसी कृदंत पदर तो आगक जावा
अच्छा देखो क्रूद प्रत्यय स्थल विशेष रे वर्ण मानक प्राधान्य देश प्रकार सामान्य परिवर्तन घटी थाए तो दुई प्रकार सामान्य परिवर्तन घटी थाए जो भली कारक वाच्य एवं भाव वाच्य एभली भाव रे दुई प्रकार रो परिवर्तन घटी थाए तो 119 टा कोन हबो ए आंसर आगो बुझबा अच्छा देख गली अली जहाँ देखिली ताहा कहली गली आसली जहाँ देखिली ताहा कहली तो जहाँ पदटीर सर्वनाम पद को निर्णय कर तो गली आसली जहाँ जहाँ ताहा को कौन कला अपेक्षा कला तो ये कौन हम आपेक्षिक समवाचक सर्वनाम पद हम ना ना तो गोटे सर्वनाम पद अगर सर्वनाम पद को अपेक्षा रखिले संबंध सृष्टि कले कौन कहुए आपेक्षिक समवाचक सर्वनाम पद बोली कहुए तो आंसर कौन हम डी अच्छा तो आगे जीवा तो देख दिकर्मक क्रिया रे साधारणतः क्यों कर्म गौण होता है तो प्राणीवाचक अप्राणीवाचक तो प्राणीवाचक सब मुख्य कर्म होता है एवं अप्राणीवाचक सॉरी प्राणीवाचक सब गौण कर्म होता है एवं अप्राणीवाचक मुख्य कर्म होता है ठीक अच्छे तो प्राणीवाचक सब कौन होता है गौण वाक्य होता है एवं अप्राणीवाचक जो भाई शिक्षक देख शिक्षक छात्र छात्री मान को छात्र छात्री मान को प्रश्न पचारे तो ये तुमको पचारे कौन पचारे तो कौन लगे आसला आसला मुख्य कर्म एवं क्या पचारे क्या आसला गौण कर्म है तो गौण कर्म छात्र छात्री मान को पचारे तो ये प्राणीवाचक है अप्राणीवाचक प्रश्न मुख्य कर्म है ठीक अच्छे तो 121 सहकोशी साधारणतः कौन हम प्राणीवाचक सहकोश हम ए आगे जावा सर्वनाम विभक्ति युक्त हो परिवर्तित होता पद को डैश कहुए तो सर्वनाम विभक्ति युक्त हो परिवर्तित होता पद को जौगिक आकृति में परिणत होता है जौगिक पद होता है कोई थाई पारे जो बोली न न खाई पारंती हैला न खाई पारंती तो न एडी कोन हैला नस्तुसूचक अव्यय हे पैबो सर्वनाम पद तो एटा जौगिक आकृति पद मध्ये हे पैबो तो एडी 122 रो कोन आंसर हबो सी जौगिक आकृति हबो सर्वनाम रे विभक्ति युक्त होई परिवर्तित यदि किछु होइथाय तुम इच्छा मुताबक जहा ताहा कह ना तो ये देख जहा ताहा कह ना तो ये जहा ताहा तो जौगिक आकृति जब प्रत्यय संजोग हो जाए तेज जौगिक आकृति परिवर्तन जौगिक आकृति रे परिवर्तित हो जाए तेणु ये कौन हम सर्वनाम विभक्ति युक्त हो परिवर्तित होता पद को कौन कह जाए जौगिक आकृति पद बोले कह जाए आग को जीवा अच्छा तो देख क्यों क्रियापदी प्रथम पुरुष एक वचन और तृतीय पुरुष एक वचन क्षेत्र में प्रजोज्य तो देख ये लिखिली खेलुची तो आंसर कौन हम खेलुची तो प्रथम पुरुष एक वचन एवं तृतीय पुरुष एक वचन तो मु खेलुची हो पार मु खेलुची से खेलुची हैला तो मु खेलुची तृतीय पुरुष एक वचन प्रथम पुरुष तो खेलुची हम तो मु खेली बी हब से खेली ब हब एटापरि मु खेली ली हब से खेली ला हब एटा भी हेपरि है अच्छा मु खेलुची हब से खेलुची एटा ही ठीक हम ठीक अच्छे एटा भी हेपर खेलुंगे बहुवचन हो तो यहाँ भी हेपर ना आगे जावा 123 आंसर हब ए अच्छा तो देख निम्नलिखित पदगुड़िक केउटी वैदेशिक अव्ययुक्त तो बेढंग हो पार ढंग बेढंग तो बेढंग ढंग ढंग ठीक नहीं तो ढंग गोटे वैदेशिक शब्द बेढंग हो पार ठीक अच्छे तो आंसर कौन हम 124 डी अच्छा तो ये देख माध्याकर्षण शक्ति समस्त द्रव्य को पृथ्वी को आकर्षित कै तो का संबंध में उक्त वाक्य कह जाए
तो माध्याकर्षण शक्ति संबंध रे कोई जाइछि तो जा संबंध रे कोई जाइतबो ताको वाक्य रे कर्ता कोई छबो तो आंसर कोन हबो माध्याकर्षण शक्ति ठीक अछि त आगो को जिबा त 125 रो आंसर कोन हबो ए अच्छा 126 नंबर देखो वाक्य रे क्रियापद सहित 26 देखो वाक्य रे क्रियापद सहित जे पदर अन्वय नथाय पछि जे पदर संबंध नथाय अन्वय अर्थ संबंध वाक्य रे क्रियापद सहित जे पदर अन्वय नथाय ताकु कोन कहै छै संबंध पद कहै छै ना नै वाक्य रे क्रियापद सहित जे पद मानकर अन्वय थाय ताकु कारक कहै छै किंतु वाक्य रे क्रियापद सहित जे पदर अन्वय नथाय ताकु संबंध पद कहै छै ठीक अछि आ बुझबा तो आंसर 126 रहा बस सी अच्छा तो 127 रो देखो सैन्य माने अस्त्र धरी युद्ध को गले तो धरी उक्त वाक्य रे धरी पद टी केउ क्रिया को बुझाउ छी तो असमापिका क्रिया क्रिया पद को साधारणत द्विगाही रूप व्यक्त कराइ छी गुण छी समापिका क्रिया आ गुण छी असमापिका क्रिया जेउ क्रिया पद द्वारा वाक्य रो समाप्ति बा संपूर्णता सूचित हुए ताकु समापिका क्रिया एवं जेउ क्रिया पद द्वारा वाक्य रो असमाप्ति बा संपूर्णता सूचित हुए ताकु समापिका क्रिया कहै छै तो एठी आंसर कोन हबो बी अच्छा तो आगु बुझिबा अच्छा देखो एठी हमर प्रश्न अनुजाई आ कोन पचार छै पिला माने पढुथिबे त एठी हिजब असंपन्न भविष्यत एवं एठी जदि विशुद्ध वर्तमान अनुमानिक वर्तमान संभाव्य वर्तमान त संभावना आछि पिला माने पढुथिबे त एठी कोन हबो संभाव्य वर्तमान आंसर हे पाइबो हला त एटा कोन असंपन्न भविष्यत टी स्थल विशेष संभाव्य वर्तमान रो रूप रे रूप ग्रहण करथे त एठी कोन हे पाइबो संभाव्य वर्तमान सो 28 टी कोन हेबो सी अच्छा आगु बुझबा अच्छा 129 नंबर देखो जो भले मु तुमको कहले आ जहां संबंध रे कोनोसी कथा कहा जाए ताको कोन कह जाए उद्देश्य कह जाए तो जहां संबंध भी कोनोसी कथा कह जाए ताको उद्देश्य कह जाए एवं जहां कह जाए ताको विधेय कह जाए तो 29 रो आंसर कोन हो बी एगुडा का बारंबार हमर इंस्टीट्यूट रे तुमको आलोचना माध्यम रे सूचय दे जेतिला तो जहां भी आलोचना करे जेतिला जहां भी तुमको पढे जेतिला जे क्वेश्चन सब तुमको आलोचना करे जेतिला से सब क्वेश्चन तुमरा परीक्षा रे आसी छी अच्छा देखो संबंध पद सहित केउं विभक्ति रे जोग होइथाय बारंबार कहछु षष्ठी विभक्ति रे जोग होइथाय त संबंध पद सहित षष्ठी विभक्ति रे जोग होइथाय एवं केउं विभक्ति कारक रे स्थान प्राप्त होइ नथाय षष्ठी विभक्ति कारक रे स्थान प्राप्त होइ नथाय हला त एठी कोन हबो 130 रो आंसर कोन हबो बी त आगु बुझबा त 131 देखो खेली में क्रियापद रो विकरण पद को चिन्हित कर त कोन हब खेल धातु युक्त इफ युक्त ए त आंसर कोन हब इफ इल इफ धातु एवं धातु विभक्ति मध्य रे जो वर्ण बा वर्ण समष्टि संयोग होते ताको विकरण पद को दे एवं विकरण पद केते कोटी पांच कोटी इल इफ बांत ल ए सब जिंच ताग बुझिबा त 132 देखो केउटी गुणवाचक विशेष्य धैर्य रखिबा गोटे गुण बुझेला लीन पूर्ण मुक्त सब हे परबेनि धैर्य रखिबा गोटे गुण त एटा कोन हबो गुणवाचक विशेष्य हे परब अच्छा त आंसर कोन हबो 132 रो सी आगु बुझिबा त 133 नंबर देखो डेसु क्रियापद रो पुरुष वचन जणा पड़े क्रिया विभक्ति वा धातु विभक्ति एठी त नाही विभक्ति क्रिया विभक्ति बा धातु विभक्ति नाही त प्रत्यय पुरुष वचन सूचक प्रत्यय त आंसर कोन हबो सी हला सी प्रत्यय रो क्रिया पद रो पुरुष वचन जणा पड़े त 133 रो कोन हबो आंसर सी आगु बुझबा त 134 नंबर देखो संबोधन पद पूर्व रे अथवा पर अव्यय पद लागे त अव्यय पद जे कोन से स्थान रे मध्ये लागी पारे त ठीक हे पेबो त संबोधन पद रो पूर्व रे बा पर अव्यय पद लागी पारे त एटी कोन हबो 134 ठीक हला संबोधन संबोधन पद वाक्य रे आरंभ रे किबा वाक्य रे शेष रे
ব্যবহৃত হয়ে থাকে ঠিক আছে তো সম্বোধন পদ পূর্ব অথবা পরে অব্যয় পদ লাগে পূর্বরে লাগি অব্যয় পদ সম্বোধন পদ প্রথমে বাক্যের আরম্ভে এবং শেষে হি লাগি থাকে তো এটি ভুল কেউটি বি নুহে তো আনসর ঠিক হবনি তো আনসর এটি কোণ হব ভুল হব ঠিক আছে সম্বোধন পদর পূর্বরে অথবা পরে অব্যয় পদ লাগি পারে না তো আনসর কোণ হব এ ভুল স্যার চৌত্রিশ নম্বর গলা আগুক যা আচ্ছা স্যার পঁয়ত্রিশ দেখ কৌশি কারককু ক্রিয়াপদ ন মিললে তাহা ডেস বলরে অন্য ক্রিয়াপদ সহ সংযুক্ত হয়ে ক্রিয়া বিশেষণ দ্বারা আমি সংযুক্ত করে পাইবা বুঝল তা আনসর কোণ হব সি তো কৌশি কারককু ক্রিয়াপদ ন মিললে ডেস বলরে অন্য ক্রিয়াপদ সহ যদি সংযুক্ত হচ্ছে তো ক্রিয়া বিশেষণ হি হয়ে ঠিক আছে তো শহে পঁয়ত্রিশ হচ্ছে আনসর সি আগুক যা আচ্ছা দেখ স্যার ছত্রিশ নম্বর কেউটি যৌগিক বাক্য যৌগিক বাক্য তুমি যদি পুরী যাব মো মহাপ্রসাদ আনব তো যদি লাগিছে এটি জটিল বাক্য এবং যে লোক ন্যায় পরায়ণ তাকে ন্যায় রক্ষা করে তো যে লাগিছে এটা বি জটিল বাক্য বুঝল গোবিন্দ বাবু গোটিয়ে কথা ভাবুচার এবং দুঃখিত হচ্ছেন এটা হয়েযাব যৌগিক বাক্য আপন মো কথা ন শুণু তথাপি কবি তো এটা হব নাস্তিসূচক বাক্য নাস্তিসূচক হয়ে পাইব তো এটি প্রপর রূপে কোটা আনসর ঠিক হব তো সি শহে ছত্রিশ সি হি আনসরটি ঠিক হব ঠিক আছে আগুক যা আচ্ছা তো শহে সত্রিশ নম্বর দেখ যে ক্রিয়াপদ বিশেষ বা বিশেষণ শব্দর গঠিত হয়েছে তাকে কেউ ক্রিয়াপদ কুয়াশে নামধাতু ক্রিয়াপদ বলে কুয়াশে বিভক্তি শূন্য বিশেষ বিশেষণ পদকে নামধাতু কুয়াশে এবং নামধাতু গঠিত ক্রিয়াকে নামধাতু ক্রিয়া বা শব্দ ক্রিয়া বলে কুয়াশে তো এটি কোণ হব নামধাতু ক্রিয়া তো শহে সৈত্রিশ হব ডি তো আগুক যা আচ্ছা তো দেখ পবন ধীরে বহুছি বহুছি হব এটা বড়ুছি হবনি পবন ধীরে বহুছি তো এটি বহুছি এটা হব তো পবন ধীরে বহুছি বহুছি এটি বহুছি বহুছি কেউ ধরনের ক্রিয়াপদ সকর্মক অকর্মক দ্বিকর্মক এটি অকর্মক হি হয়ে পাইব ধীরে হচ্ছে ক্রিয়া বিশেষণ ধীরেটা হচ্ছে ক্রিয়া বিশেষণ তো পবন হল কর্তা বহুছি হল ক্রিয়া তো এটি কোণী প্রকার কর্মর উপস্থিত না তেমন এটা হল অকর্মক ক্রিয়া ঠিক আছে ওয়ান থার্টি এইট বি আচ্ছা আগুক যা দেখ ঋষি মানে বণরে ফলমূল আহার করুলে করুলে এটা কোণ যৌগ ক্রিয়াপদ নির্ণয় করে করুলে ক্রুধাতু যুক্ত উ যুক্ত থা যুক্ত ইল যুক্ত এ তো গোটিয়ে ধাতু গোটে মুখ্য ধাতু এবং গৌণ ধাতু সহ যদি ক্রিয়া বিভক্তি বা ধাতু বিভক্তির সংযোগ হুয়ে তবে তাকে আমি কোণ কই থাকে যৌগ ক্রিয়াপদ কই থাকে এটা ক্রু হল মুখ্য ধাতু হল প্রত্যয় থা হচ্ছে গৌণ ধাতু ইল হচ্ছে বিকরণ বা সবিকরণ পদ এ হচ্ছে ধাতু বিভক্তি বা ক্রিয়া বিভক্তি তেমন এটা কোণ হব আনসার ওয়ান থার্টি নাইন ডি আগুক যা আচ্ছা তো দেখ পরস্পর অন্যয়ের উপযোগী পরস্পর অন্যয়ের উপযোগী দুই বা ততোধিক শব্দকে এক পদরে পরিণত করিবার নামকে কোণ কুয়াশে সমাস বলে কুয়াশে দুই বর্ণর মিলনরে সন্ধি সৃষ্টি হয়ে এবং পরস্পর উপযোগী দুই বা ততোধিক শব্দকে এক পদরে পরিণত করিবার নামকে সমাস কুয়াশে ঠিক আছে ছয়চাশ হচ্ছে ডি আনসার ঠিক আচ্ছা শহে একচাশ দেখ তো শহে একচাশ নম্বরের অন্তা কালসূচক প্রত্যয় সাধারণত কেউ কালে ব্যবহৃত হয়ে খাতা পড়তা যা মতো যদি সুযোগ মিলতা তাহলে মু যাই থাকে তো এটি সম্ভাবনা আছে ঠিক আছে তো সম্ভাব্য তো এটি কোণ হয়ে পাব অভিপ্রায়িক ভাব হব এবং অভিপ্রায়িক ভাবটি বেড়ে বেড়ে সম্ভাব্য ভবিষ্যতের রূপ নিয়ে থাকে তেমন এটি কোণ হব অন্তঃপ্রত্যয় কালসূচকের সম্ভাব্য খাতা মতো যদি সুযোগ মিলতা মু পড়তি পড়ুথান্তি পড়ি থাকে তো এভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তো এটি সম্ভাব্য যদি ভবিষ্যতের কাল সূচনা প্রদান করছি ঠিক আছে তো এটি সাতচাশ ডি বয়াল্লিশ নম্বর দেখ
धातु सह अन्यून अन्यून अच्छी देख धातु सह अन्यून डेस विभक्ति को जोग करा जाए क्रियापद गठित होता है धातु सह अन्यून गोटे विभक्ति को जोग करा जाए क्रियापद गठित होता है ठीक अच्छे दुईटी हो पारे गोटे ही विभक्ति जोग करा जाए पार ठीक अच्छे 47 रो ए आंसर आग को जीपा अच्छा 143 नंबर देख जो रूपिम अन्य कौन से रूपिम बिना साहय भाषा व्यवहृत हो पारे व्यवहृत हो पारे कौन कहसे मुक्त रूपिम कहसे भाषार सर्वनिम्न एकक को रूपिम कहसे जो गुड़ाक मूल शब्द गुड़ी को मुक्त रूपिम कहसे जो गुड़िक प्रत्यय संयोग रही है बद्ध रूपिम कहसे रूपिम साधारण दुई भाग विभक्त बुझेगा रूपिम साधारण केत विभक्त दुई भाग विभक्त गोटे हूँ जो भाई मूल शब्द मुक्त रूपिम गुड़े कौन कौन हो पार गला नई नई ठीक अच्छे भात माटी एभली हो पार बद्ध रूपिम अर्थ प्रत्ययुक्त प्रत्ययुक्त ठीक अच्छे तो प्रत्ययुक्त हेल्ले सुंदर सुंदर युक्त दीर्घ तो कौन हम सुंदरी तो यहाँ है बद्ध रूपिम है अच्छा देख कोम कहला कोमलता एटा भी बद्ध रूपिम ठीक अच्छे तो मुक्त रूपिम मूल शब्द बद्ध रूपिम प्रत्ययुक्त शब्द ठीक अच्छे आगे जावा आंसर 143 हम ए अच्छा देख ओडिया शब्द गठन व्यवहृत रूपिम गुड को केत बार व्यक्त कर दुई भाग व्यक्त कर गोटे हूँ मुक्त रूपिम आ गोटे हूँ बद्ध रूपिम ठीक अच्छे अच्छा दुई भाग विभक्त मुक्त रूपिम बद्ध रूपिम आगक जीव धातु सह जो विभक्ति युक्त है असमापिका क्रिया होता है क्यों विभक्ति युक्त है असमापिका क्रिया होता है धातु सहित साधारण दुई प्रकार विभक्ति युक्त है असमापिका क्रिया होता है कि गोटे गोटे विभक्ति गोटे हूँ ई गोटे हूँ उ तो ये कौन अच्छे उ अच्छे तेणु ये कौन हम 145 आंसर कौन हम सी अच्छा आग को देख विशेष्य 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 हम नहीं विशेष्य विशेष्य पदर एक वचन शब्द को बहुवचन करने बेले पूर्वशक परशक उभय लगे ना ठीक अच्छे तो यहाँ कौन ठीक उभय लगे ना यहाँ हम आंसर ठीक तो 146 हूँ ए सच्चाश देख अमृतवाचक विशेष पद गुड़ी को अनुभव करे मृतवाचक विशेष पद को देखी हुए स्पर्श कर हुए जो भाई गुण गुड़ी को तुम अनुभव कर जो भाई मुझे कह जाति जो विशेष पद अर्थात विशेष कह जाए जो पद कौन से व्यक्ति जाति वस्तु गुण क्रिया को बुझे ठीक अच्छे तो क्रिया गोटे कार्य को अनुभव कर गुण को अनुभव कर व्यक्ति को देखी पार वस्तु को देखी पार स्पर्श कर ठीक अच्छे तो यह जो गुड़ाक आम देखी पार स्पर्श कर कौन कह जाए मृत बोली कह जाए जो गुड़क आम देखी पार ना स्पर्श कर अमृत बोली कह जाए तो अमृतवाचक विशेष पद गुड़क अनुभव कर 146 हूँ सी आग को जी अच्छा विशेष पद पर व्यवहृत विशेषण पद को डेस विशेषण कहते तो विशेष पद पर व्यवहृत होता विशेषण पद साधारण आम विधेय विशेषण कही था जो भाई पिलाटी दुष्ट तो ये दुष्टा ये कौन है विधेय विशेषण विशेष पद पर विशेषण पदर व्यवहार कर आंसर हम बी अच्छा दैत्य पद रे केउ प्रत्यय संयोग कर दैत्य प्रत्यय य प्रत्यय संयोग कर दधित पद यहाँ दीति युक्त य दैत्य ठीक अच्छे तो दीति युक्त य दैत्य तो यहाँ कौन य प्रत्यय संयोग कर आंसर हम सी अच्छा कपिलदेव छड़ा आउ किए बोली छक मारी पाइब तो यहाँ हम विस्मयसूचक वाक्य निश्चित रूपे तो यहाँ विस्मयसूचक वाक्य 150 डी
विशेष्य पद अंकुरु डेश धातु अंकुरीबा गठित होइथाय नाम धातु हला विशेष्य पद अंकुरु अंकुरीबा त नाम धातु क्रिया हला त आंसर हो कोन डी केउटु हेतुबोधक अव्यय सुतराम सेठारे कोरोना व्यापीची सुतराम सेठाकु जिबा अनुचित त सेठारे कोरोना व्यापीची सुतराम सेठाकु जिबा अनुचित त एटी कोन होला सुतराम सेही कारण रु सेठे कु जिबा अनुचित त हेतुबोधक अव्यय एटी होला त आंसर हो कोन सी अच्छा केउटी शुद्ध रूप निर्णय कर त प्रवर्जन प्रवर्जन रज ज र सहित जदि जेकोसी व्यंजन वर्ण मिसले ताहले ज हबो किंतु ज सहित जदि र मिसला ज प्रवर्जन प्रवर्जन त रटा जेतु प्रथमे उच्चारित होची त उत्तर कोण हबो बी त 153 आंसर हबो बी अच्छा निंजंत धातु धारी मूल धातु रूप होची ध्रु ध्रु युक्त निंज प्रत्यय धारी एभलि भाबे व्यवहृत होते तो मूल धातु होची ध्रु सर 54 होची डी अच्छा सर 55 नंबर देखो नाम धातु आगेबा देश विशेषण पद आगो आगेबा ठीक अछि आगो आगेबा पछ पछेबा त आगो आगेबा सर 55 होची ए सर 56 केउटी जटिल वाक्य निर्णय कर जटिल जे सर्वदा सत्य कुए से निर्भय जे लागिछि त एटा निश्चित रूपे जटिल वाक्य हबो जे जदिबा जदि च जेणु जेहेतु ए सब वाक्य जो वाक्य लागिथिबो सेटा जटिल वाक्य हम तुमको बारंबार कहितली से तुमको गाली देला से आसीछि त एटा हे पाइबनी दुटा सरल वाक्य अछि से धनी मात्र सुखी नुहंती एटा जोग वाक्य से पूरी जाइथिब किमा कटक जाइथिब त एटी कोन हे पाइबो त एटा बी जोग वाक्य हे पर त 156 रा आंसर कोन हो ए त कृतिका युक्त एय त कोन हो कार्तिकेय तो कृतिका युक्त एय कार्तिकेय एटा तद्धित शब्द त एडी शब्द रो शुद्ध गठन रूप चिन्हट कर कृतिका युक्त एय त आंसर कोन हो डी कृतिका नक्षत्र युक्त एय कार्तिकेय केतक सकर्मक क्रिया व्यवहार दिकर्मक होई पारे होई पारे भूल ठीक समस्त सकर्मक क्रिया व्यवहार दिकर्मक हो समस्त होई पारे केतक सकर्मक क्रिया व्यवहार रे दिकर्मक होई पारे त एटा कोन हबो ठीक हला त केतक सकर्मक क्रिया जदि व्यवहार करबा आमे दिकर्मक रो मध्य रूप नै पइबो शिक्षक छात्र को प्रश्न पचारे मुख्य कर्म कौन पचारे प्रश्न पचारे कहा को पचारे छात्र को पचारे तो ये उक्त वाक्य मुख्य कर्म कौन देख ये तुमको पूर्व प्रश्न शिक्षक पचारे केवल ये कर्म ना शिक्षक पचारे तो पचारे ये कौन है अकर्मक क्रिया है कि शिक्षक छात्र को प्रश्न करते तो ये दिकर्मक क्रिया तो हे पाइब कौन केतक सकर्मक क्रिया व्यवहार दिकर्मक रूप हो अच्छा शिक्षक छात्र को प्रश्न पचारे बाकी मुख्य मुख्य कर्म हूँ प्रश्न कौन लगे प्रश्न कले सब बड़े मुख्य कर्म आसता है तो 159 रा आंसर हूँ ए आगे को जीवा उछुर विपत अर्थ सरल उछुर अर्थ डेरी हवा सरल अर्थ जल्दी तो ये उछुर विपत अर्थ है सरल एटी कौन हम अनिवार्य शुद्ध शब्द को निर्णय कर देख शुद्ध शब्द हूँ अनिवार्य तो यहाँ हम अनिवार्य यहाँ हम ठीक शुद्ध शब्द हूँ सी अनिवार्य अच्छा 162 देख तो निष्फल निष्फल अर्थात कौन निरर्थक तो आंसर कौन हम बी निष्फल अर्थ निरस्थ निरर्थक 62 शुद्ध शब्द हम निष्फल बी
आशीर्वाद आशीर्वाद ये ठीक हम आशीर्वाद ठीक अच्छे तेसठी डी ओतप्रोत ओतप्रोत हम है तो ओतप्रोत तो कौटा हम ओतप्रोत सर्वत व्याप सर्वत व्याप्त है ओतप्रोत आंसर हम डी डी ठीक शह चौसठी डी अच्छा देख पीयूष पीयूष तो कौटा हम पीयूष दीर्घकार हम पीयूष पीयूष डी आंसर ठीक है पीयूष डी 165 डी पूजास्पद पूजास्पद सी आंसर ठीक है ठीक अच्छे पूजास्पद सी आंसर ठीक है अच्छा देख सार्वजनीन दीर्घकार जोटा से ठीक हम सार्वजनीन तो यहाँ हम सार्वजनीन आंसर हम डी प्रादुर्भाव तो देख प्रादुर्भाव तो प्रादुर्भाव प्रादुर्भाव र प्रथम आसला प्रादुर्भाव र भाव प्रादुर्भाव प्रादुर्भाव तो र सहित भर संयोग होगा तो आंसर कौन हम ए प्रादुर्भाव 168 ए अच्छा देख अंतर्जामी अंतर्जामी 189 अंतर्जामी अंतर्जामी सी आंसर ठीक है दूरावस्था दूरावस्था सी आंसर ठीक है दूरावस्था 170 अच्छा देख जलद जलद कार प्रति शब्द जलद हूँ जलद मेघर प्रति शब्द जलद हूँ सी मेघ जलधि जलधि हूँ समुद्र अर्णवी समुद्र पयोनिधि भी समुद्र ठीक अच्छे तो जलधि कार प्रति शब्द जल जलधि हूँ समुद्र प्रति शब्द एवं जिते बड़े आम जल द कहे तो जल दटा हूँ कार प्रतिशब्द मेघर प्रतिशब्द अर्थात जीमूत जीमूत हूँ मेघ आगू जीवा 171 अच्छा भास्कर प्रतिशब्द भास्कर अर्थ विकर्तन ठीक अच्छे विकर्तन अर्थ सूर्य सूर्य प्रतिशब्द भास्कर अनल अनल अर्थ अग्नि मृगांक मृगांक बलाहक तो एगुड़ाक सब चंद्र प्रतिशब्द ठीक अच्छे तो आंसर कौन हम ए 72 ए राजीव राजीव पद्म प्रतिशब्द प्रभंजन हेले तो हमारे कौन है प्रभंजन हेले प्रभंजन प्रभंजन हेले पवन आदिदेय सूर्य ठीक अच्छे सारस हेले पद्म हम सारस तो सारस पद्म विश्वकेतु विश्वकेतु जगत पिता तो यह भाव में व्यवहित होता है तो ये कौन हम प्रभंजन वायु पवन आदित्य सूर्य
सारस पद्म विश्वकेतु जगत पिता तो ये कौन हम 173 री आंसर हम सारस हम सीटा सारस सारस अर्थ पद्म 173 सी। अच्छा देख 174 दानवर प्रतिशब्द निर्णय कर दानवर प्रतिशब्द ब्रह्मसु देवता दनुज हब दानव गजस्य गणेश अमृतांध देवता ठीक अच्छे तो दनुज अर्थ दानव 174 हूँ बी 175 नंबर देख गाभी गाभी हूँ गाई प्रतिशब्द तो गाभी हम रोहिणी हेब जानवी हूँ गंगा जानवी हम गंगा अद्री हम पर्वत एवं धुनि हम नदी ठीक अच्छे तो आंसर हम बी 175 बी आगे जा विहंग विहंग अर्थ द्विज बारी अर्थ जल है सरसी रुह सरसी रुह पद्म बनज अर्थ भी पद्म है तो ये आंसर कौन हम ए पर्वतर प्रतिशब्द तो पर्वतर प्रतिशब्द हूँ कसार हूँ पोखरी महिधर हूँ पर्वत औषधीश चंद्र एवं कुलिस वज्र पवि है कुलिस वज्र ठीक अच्छे तो आंसर हम बी 177 बी आगे जी। अच्छा तो देख निकेतन निकेतन अर्थ गृह बा सद्म है भूधर भूधर अर्थ पर्वत पारबार समुद्र विकर्तन सूर्य 178 ए आंसर 179 गज गज कार प्रतिशब्द दीप हस्ती तो यहाँ है दीप गंधव अर्थ पवन तुरग अर्थ घोड़ा एवं दिज अर्थ पक्षी 179 आंसर डी। अच्छा पृथ्वी प्रतिशब्द देख सिखी सिखी मयूर अद्री अद्री अर्थ पर्वत श्री अर्थ धन बात विश्वभरा विश्वभरा अर्थ पृथ्वी आंसर है डी। अच्छा तो विपरीत अर्थ बर्तमान निर्णय करवा तो प्रसन्न विपरीत अर्थ कौन हो विसर्ण तो आंसर हम डी प्रसन्न विपरीत अर्थ विसर्ण 181 डी। क्षीणर विपरीत अर्थ कौन हम क्षीण पृथुल क्षीणर विपरीत अर्थ पृथुल ठीक अच्छे। अच्छा संकीर्णर विपरीत अर्थ देख संकीर्णर विपरीत अर्थ कौन हम प्रशस्त संकीर्णर विपरीत अर्थ प्रशस्त तो आंसर हम बी। निरपेक्षर विपरीत अर्थ बुझा निरपेक्ष निरपेक्षर विपरीत अर्थ पक्षपाती हम विपक्ष हमन प्रत्यक्ष हम नि सहपक्ष हमन निरपेक्षर विपरीत अर्थ पक्षपाती ठीक अच्छे। अच्छा आगक जा मसृण मसृण विपरीत अर्थ बंधु रही पड़े तो 185 बी नंबर आंसर मसृण बंधुर मसृण अर्थ चिकण बंधुर अर्थ खदड़ निवृत निवृतर विपरीत अर्थ कौन हम प्रवृत तो ये निवृत रहा प्रवृत रहा निवृतर विपरीत अर्थ प्रवृत तो 186 आंसर हूँ सी। स्थावर स्थावर विपरीत अर्थ जंगम 187 हूँ सी स्थावर विपरीत अर्थ जंगम 187 सी। अच्छा नियट तो देख नियटर विपरीत अर्थ कौन हम नियटर कौन हम नियट बलका है नियटर बलका नियटर अर्थ कम हो बलका अर्थ बढ़
प्रस्थानर विपरीत अर्थ कौन है आमर प्रवेश प्रस्थानर विपरीत अर्थ प्रवेश प्रस्थान तुम जान सब गुडी लिखाई थाए तो प्रवेश विपरीत अर्थ कौन हम प्रस्थान समष्टिर विपरीत अर्थ व्यष्टि समष्टि व्यष्टि विभाग हो समष्टि हवा विभाग हो अच्छा कर्ता पदर पुरुष और वचन अनुसार क्रियापदर परिवर्तन ड्यास परिवर्तित होता है कर्ता पदर पुरुष वचन अनुसार क्रियापदर भी पुरुष वचन परिवर्तन होता है तो आंसर कौन हम सी अच्छा देख सर्वानवे प्रत्यय ईश्वर को उपासना कर ईश्वर को उपासना कर अर्थात तुम्हें प्रत्यय ईश्वर को उपासना कर तो ये कर्म हो गला तुम्हें प्रत्यय ईश्वर कर उपासना कर तो कौन हम ये कर्म सम्बन्धे षष्ठी विभक्ति ईश्वर कर लगी तेणु ये कर्म सम्बन्धे षष्ठी विभक्ति तो आंसर कौन हम बी अच्छा शहे तेयानबे देख जो कर्ता निजे क्रिया संपादन न करी अन्य द्वारा कराए क्यों क्रिया कहुए प्रायोजक कर्ता क्यों कर्ता कहुए प्रायोजक कर्ता ठीक अच्छे जे निजे कार्य करे ना अन्य जन द्वारा कराए कराई थाए अर्थात तार प्रेरणा रही था प्रायोजक कर्ता कहते चौरानबे देख पवन अति धीरे बहुत उक्त वाक्य क्रियापद क्यों विशेषण निर्णय कर तो उक्त वाक्य क्योंटी क्रिया विशेषण विशेषण निर्णय कर क्रिया विशेषण विशेषण धीरे बहुत क्रिया विशेषण अति धीरे बहुत क्रिया विशेषण विशेषण अर्थात क्रिया विशेषण पद को पुनर्वार विशेषित कर चौरानबे आंसर कौन हम बी अति अच्छा देख तीन मस दरमा अर्थात तीन मस व्यापी दरमा व्याप्ति अर्थ व्याप्ति अर्थ ने ष्ठी व्यक्ति प्रयोग आगे बुझा से माने खेली थिबे खेलिबे से माने एटी देखो एटी जतबेले मु लेखिली से माने खेलिबे 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 खेलुथिबे खेलिथिबे तो खेलिबे साधारण भविष्यत खेलुथिबे असंपन्न भविष्यत एवं खेलिथिबे संपन्न भविष्यत तो एटी कोन हबो सी संपन्न भविष्यत 196 सी आंसर अच्छा देख वाक्य समापिका क्रियापद सब बेले वाक्य शेष रे रहे ठीक समापिका क्रिया सब बेले वाक्य शेष रे ही व्यवहृत होते ता 197 रो आंसर कोन हबो ए ए होची ठीक अच्छा देख 198 एकाधिक पदर प्रकाशित क्रिया को कौन कहसे मिश्र क्रिया कहसे देख ओडिया भाषा कर्तार लिंग मत क्रियापदर परिवर्तन हुए ना तो यह कौन हम बी बी हूँ 199 बी हूँ आंसर अच्छा 200 देख गुणवाचक विशेष्यर बहुवचन कौन हुए गुणवाचक विशेष्यर बहुवचन करा जाए नहीं धैर्य धैर्य माने एभली करा जाए कि जो भाई मुझे तुमको कहली गुणवाचक विशेष अर्थ धैर्य धैर्य माने तो यह पार्टी कि करा जाए नहीं तो यह उत्तर कौन हम 200 सी तो सब गुड़ाक प्रश्नर उत्तर तुमको आलोचना कर आशा करूँ तुमने ठीक ठाक बुझी एवं परीक्षा में सठिक निर्णय करके आसी जोद्वारा ठीक भाव आम ओडिया स्कोरिंग तेणु आशा करूँ तुमने भल भाव ओडिया प्रश्नर उत्तर दे ठीक भाव क्वेश्चन रो आंसर लिखि थ भल मार्क स्कोरिंग करशा करूँ बहुत बहुत धन्यवाद रोचे शुभरात्रि।